Iqbal Ansari, remember he was a Babri petitioner who was seen showering flower petals on Prime Minister Narendra Modi's convoy. Ansari ji, thank you so much for taking our time, sir. NewsX se baat karne ke liye bahut bahut dhanyawad. Let's show Ansari ji there. There we go on our screens. Ansari ji, aaj aapki ek video viral hui hai jisme dekha ki aap pradhanmantri par phool barsa rahe the. Aaj aap Ayodhya mein the. प्रधानमंत्री जी का जब रोड शो चल रहा था, आपको कैसा लगा है इकबाल अंसारी जी आज अयोध्या में, क्या महसूस हुआ जब आप थे? देखिए, अयोध्या में हमको आज जो महसूस हुआ, अयोध्या धर्म की नगरी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं और पूरी अयोध्या जो है फूल वर्षा कर रही थी। हम भी अयोध्या के साथ में हैं, हमारा जो है अयोध्या में जो हिंदू मुस्लिम का सौहार्द है, पूरी अयोध्या जो है विकास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा रहा वो कामयाब रहा। पूरे देश के लोगों ने उनका स्वागत भी किया, पूरे अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया और हम भी मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले के जो है करीब रोड है और प्रधानमंत्री जी गुजर रहे थे और हम भी जो है सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए थे और हमने फूल जो चढ़ाया, फूल छोड़ा जी। एट द सेम टाइम अंसारी जी, ये आज एक नया हवाई अड्डा मिला है अयोध्या को, नया रेलवे स्टेशन मिला है, क्या लगता है आपको कि इस सब विकास से कैसे अयोध्या के लोगों का जीवन बदलेगा? देखिए, अयोध्या है, अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन छोटा रहा, ट्रेनें बढ़ गई और बहुत से विकास हुए हैं जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुए हैं। अयोध्या की धरती पे जो है विकास की बहुत भी कमी थी, आज जो है प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ काम किया है पूरे देश के लिए किया है, पूरे पूरे देश से लोग आएंगे तो जो सहूलियत प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या वालों को दिया है वो काबिले तारीफ है। जो काबिले तारीफ की वजह से अयोध्या वासियों ने उनके ऊपर फूल की वर्षा किया, जो हम भी मोहल्ले वालों के साथ में, जहाँ गंगा जमनी जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उसके साथ में हम भी रहे। तो इकबाल अंसारी जी, जब आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम का भाईचारा की आपने बात करी, बड़ी अच्छी बात करी, इसी बात पे मैं पूछना चाहूँगी, जो आज अयोध्या में आपने उत्साह देखा, एक पॉजिटिविटी देखी, कितनी खुशी मिलती है ये देखकर, क्योंकि आप अयोध्या मूवमेंट से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, जो केस चल रहा था उससे इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत ही करीब से सब डिवेलपमेंट्स को देखा है। You've been a part of it, at the core of it, as far as the court cases are concerned. तो आज जब आप एक उत्साह देखते हैं, आप एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा आप कह रहे हैं देखते हैं, कितनी क्या महसूस होता है, कितनी खुशी मिलती है? देखिए, अयोध्या की धरती ही ऐसी है, यहाँ अयोध्या में सारे धर्म के, सारे जात के लोग बसते हैं, सारे जात की मंदिर है, हर धर्म के मानने वाले हैं। अयोध्या में गंगा जमनी तहजीब है, अयोध्या में सरजू नदी है, अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, अयोध्या में इसी सरे सलाम की मजार है, अयोध्या में बहुत सी चीजें धार्मिक हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो है का भाईचारा यहाँ हमेशा बना रहता है और एक दूसरे का लोग ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का लोग लिहाज करते हैं और एक दूसरे का लोग सम्मान करते हैं। अयोध्या की ऐसी धरती है, ये सबको जो है सहज के चलती है, यहाँ सबके सबका साथ होना चाहिए, अयोध्या के लोगों का सबका साथ है, सबका विकास है। आज प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या का दौरा किया, रोड शो किया, अयोध्या में बहुत से लोग खुश रहे क्योंकि है प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया और जो ने रोड जो है दिया, बहुत सी चीजों का लोकार्पण किए जिससे अयोध्या वासी खुश रहे, हम भी खुश रहे। राइट, एब्सोल्युटली। इकबाल अंसारी जी, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मंदिर तो बन ही रहा है, उसके साथ एक मस्जिद भी बन रहा है और हमने देखा है कि जो मस्जिद बनेगा अयोध्या में, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी, आपको क्या लगता है जब आप ये सुनते हैं और ये डेवलपमेंट्स के बारे में सुनते हैं, एंड आई एम श्योर आपने खुद भी कुछ देखा होगा जो मस्जिद का काम चल रहा है, कि कितना भव्य मस्जिद बनेगा अयोध्या में, क्या लगता है? देखिए, ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी हैं, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या बताते हैं, क्या दिखाते, हम लोग इस पे जो है हिंदुस्तान का मुसलमान इस पे विश्वास नहीं करता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया,
और अब मुसलमान जो है वो कभी जो है उसके बारे में कोई पूछ जो है पूछने वाला भी नहीं है। वो सब लोग जो है मुसलमान चाहता है कि मस्जिद की जमीन मिल गई और उसमें खेती होना चाहिए और खेती में जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमान में बांटा जाए। ये जो जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो है मांग है, हमारी खुद की यही जो है यही एक सलाह है, क्योंकि डिजाइन दिखाने वाले काम नहीं करते, नक्शा दिखाने वाले काम नहीं करते, ये सब बात हवा में चलती है। ओके अंसारी जी, बिफोर वी लेट यू गो सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। क्या लगता है आपको कि आज अयोध्या मंदिर और मस्जिद के उस विवाद से निकलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चुका है? अयोध्या के लोग जो है इस वक्त जो है एक लोग चाहते हैं कि अयोध्या में अगर एक मुकदमा खत्म हुआ मंदिर का जो है मंदिर से जो है कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, ना कहीं धरना हुआ ना कहीं प्रदर्शन हुआ, आज जो है मंदिर बन के तैयार है और जो है प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और सवाल रहा मस्जिद की जमीन जफर फारूकी से जो है मिल गई है, वो जो है विदेशों से नक्शा लेके आते हैं, लेकिन अब मुसलमान उस मस्जिद की बात नहीं करता। अब जो है अब तो जो है हिंदुस्तान का मुसलमान यही सोचता है कि तो उसमें खेती करो, जो अनाज पैदा हो मोहल्ले के लोगों को बांट दो। ओके इकबाल अंसारी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन न्यूज़ एक्स एंड गिविंग अस योर पर्सपेक्टिव। योर वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज अयोध्या इज कंसर्न। फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।